वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। देखिए इधर हो रही है बारिश। अभी मैं तो वीडियो बना चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियो, और आज मैं नया नया कपड़ा पहनी हूँ। और प्यारा प्यारा कमेंट करके आप लोग बताएगा मेरा कपड़ा कैसा लग रहा है। देखिए इधर इधर देखिए और इधर देखिए, मैं वीडियो बना रही थी तब तक इधर से आ गई बारिश बहुत तेज। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, वीडियो बन चुका है। तो आप लोग जो भी वीडियो गया है उसमें सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मेरे चैनल में नए हैं तो, और अभी तो ठंडी लग रही है इधर का बारिश। आप लोग को क्या बताऊँ, गांव में सब लोग परेशान है कि बारिश नहीं हो रही है। और इधर इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि हम बता नहीं सकते, इतनी ठंडी लग रही, इतना बारिश हो रहा है। देखिए देखिए इधर का मौसम, देखिए आप लोग देखिए इधर का मौसम। बारिश हो रहा है, इतना तेज बारिश हो रहा है कि मतलब कि बता नहीं सकते। हमेशा बारिश हो रही है, पूरे दिन बारिश होता रहता है। और ऐसा नहीं कि एक बार खूब तेज बारिश हो जाए, बारिश होकर फिर निकल जाए, पूरे दिन हवा चलती रहेगी और बारिश होती है। यही तो यहाँ पे यही फायदा है, जैसे कि बस ठंडा ठंडा मौसम रहता है। गाँव की तरह गर्मी नहीं है इधर, गाँव में तो बारिश हो ही नहीं रही है। गाँव में जब फोन करो तो बारिश नहीं हो रही, इधर इतना बारिश हो रही है कि मतलब कि एकदम ठंडी लगने लगती है और यही अच्छा लगता है। और आप लोग बने रहिए, हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड, हम अभी इसलिए बंद कर दिए थे, कोई आ गया था। और इधर मेरे रूम पे कोई नहीं आया, पर मेरे रूम के नीचे कोई आया था गाड़ी लेके, इसलिए आवाज़ आई तो मैं बंद कर दी। तब तक लिए आप लोग बने रहिए। और इधर का मौसम देखिए, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा लग रहा है। चलिए तब तक बने रहिए आप लोग। हमारे चैनल का नाम आर ए राकेश अर्चना, मेरे इंस्टाग्राम का आईडी भी वही है आर ए राकेश अर्चना। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दिला दीजिए। और मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने, तो आप लोग बने रहिए, अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तब तक के लिए देखिए मौसम। तो फ्रेंड हम अपने रूम में आ चुके हैं और बाहर का तो एकदम अंधेरा सा छा, इतना बारिश हो रही है कि क्या बताएं, बहुत मज़ा आ रहा है। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि टाइम बज गया है इतना कि 6 बज गया है। और मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने, और मेरा शॉर्ट वीडियो पड़ गया है इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे। तो फ्रेंड अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे प्यारे से ब्लॉग में। और देखिए इधर मेरा सब्जी। तो अभी मैं जब से इधर आई हूँ, अभी जैसे कि मैं टोकरी उकरी ज़्यादा सामान नहीं ले पाई हूँ, वैसे पहले से भी बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। तो मुझे लगा कोई आ रहा है, तो पहले बहुत ज़्यादा सामान था तो मैं गांव चली गई थी, तो मेरा सब सामान मतलब कि इधर उधर हो गया। तो इसके लिए अभी मैं ज़्यादा सामान नहीं ली हूँ, पर धीरे धीरे ले लूँगी, क्योंकि मेरा चलने वाला भी नहीं है थोड़ा सामान में, थोड़ा सा मतलब ये कोई चीज़ रहता है उसमें चलने वाला नहीं है, सामान तो लेना ही पड़ेगा सब्जी वब्जी रखने के लिए, टोकरी वोकरी। और बाकी चूल्हा बाटला मेरा मिल गया था जो मैं रख के गई थी, और बाकी सब सामान इधर उधर हो गया, कुछ मिला ही नहीं। तो धीरे धीरे अभी सब सामान इकट्ठा कर रही हूँ, ले रही हूँ। और देखिए सुबह सुबह का मेरा नाश्ता, मैं कल गई थी मार्केट तो ये लेके आई टोस्ट, एक पैकेट टोस्ट लेके आई। कल गई थी बाज़ार और ढेर सारा सब्जी लेके आई थी, खाने पीने वाला चीज़ बहुत सारा ले आई थी कल। तो सॉरी मैं कल का ब्लॉग नहीं बना पाई थी, इसलिए कि इधर गुजरात में यही एक बात का डर है कि मतलब कि इधर ना जैसे कि फ़ोन वोन कहीं लेके मतलब कि रोड पे वीडियो बनाते टाइम मोबाइल कोई लेके भाग जाता है, तो इसके लिए हम उधर का वीडियो नहीं बना पाए हैं मार्केट का, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा आप लोग, और कहीं जाऊँ अब कहीं जाऊँगी तो वहाँ का वीडियो बनाऊँगी, कोशिश करूँगी बनाने के लिए। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए आर ए राकेश अर्चना, मेरे चैनल का नाम, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।